मेरी तरह HD वीडियोज कैसे रिकॉर्ड करें, पीछे पूरा ब्लर होना चाहिए वो भी अपने मोबाइल से, यही कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। चलिए फिर बिना आपका दिमाग को टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो यार दोस्तों, आपको पता है कि मैं कुछ भी मिसगाइड करने वाली या फिर गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो मोबाइल से जब भी आप शूट करते हैं तो देखिए, आप सबसे पहले तो या तो अपना नॉर्मल कैमरे से शूट करेंगे जो कि इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओपन कैमरा नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। और दूसरी चीज़ मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, देखो ये जो पीछे ब्लर वलर आ रहा है यार, ये सब चीज़ें क्योंकि मैं DSLR से शूट कर रहा हूँ। ये DSLR है लगभग 90,000 का, 90,000 का, और फ़ोन आता है लगभग अपने 10,000 के, 12,000 के, उसमें ही आपको कैमरा मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्वालिटी आप नहीं ले सकते उस चीज़ में। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कैमरे में भी कुछ ऐसे एंगल्स हैं जहाँ से शूट करके दिखाऊंगा, तो कोई क्वालिटी नहीं मिलती मेरे भाई, कोई क्वालिटी मुझे नहीं मिलती है। आपने देखा रहेगा, अगर मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ देखोगे आप, तो पीछे लगभग यही बैकग्राउंड आपको हमेशा देखने को मिलेगा, या फिर एक इधर वाली जो ईंटों की दीवार है ये देखने को मिलेगी। बिकॉज मैंने सारे एंगल्स चेक किए हुए हैं। जब मैं स्टार्टिंग में पहली बार वीडियो शूट करने आया था तो मैंने 5-10 क्लिप्स ऐसी बनाई थी जिसमें मैंने अलग अलग जगह पर इस कैमरे को रख के मैंने शूट किया था, और मुझे जहाँ से सबसे बेटर रिजल्ट मिले ना, मैंने उस चीज़ को सेलेक्ट किया और सारे वीडियोज़ मैं यहीं पर रिकॉर्ड करता हूँ। उसी तरीके से आपका फ़ोन आपको ऐसी क्वालिटी दे सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्लर वगैरह इतना HD इतना फुल HD ये दे सकता है, क्योंकि कैमरा कैमरा होता है, फ़ोन फ़ोन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ोन बुरी क्वालिटी देगा, फ़ोन से भी आप बहुत बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वही सारा कुछ बताने वाला हूँ आपको इसमें कैसे। ओपन कैमरा के ऊपर पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो जाके देख लो, किसी और यूट्यूबर्स का देख लो, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही देखो। तो आपने करना क्या है कि ओपन कैमरा में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जिसमें कि वीडियो स्टेबलाइजेशन का मोड रहता है, जिसमें कि आपका वीडियो ऐसे ज़्यादा हिलेगा नहीं, मतलब ऐसे स्टेबल सा रहेगा। तो आपने वो ऑन कर देना है एक बार। और इसके अलावा जितनी सारी भी सेटिंग्स है, अगर मेरी वीडियो से समझ आ जाती है तो वहाँ से समझ लो आप, अगर वहाँ से समझ नहीं आती तो किसी और का वीडियो जाके देख लो, वहाँ से आपने सारे सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। उसके बाद में आपने कम से कम 10 क्लिप बनानी है, 10 अलग अलग एंगल से। अभी यहाँ पे जो मौसम हो रहा है कि अभी चारों तरफ से ढका हुआ है, बादल है, तो मैं कहीं से भी शूट करूँगा तो लगभग वीडियो अच्छा आ जाएगा। लेकिन जब सनलाइट रहती है उस टाइम पे आपने अलग अलग लोकेशन से ऐसे शूट कर करके देखनी है कि कहाँ कहाँ से बढ़िया हो जा रहा है। और तीसरी चीज़, एक्सपोजर लॉक्ड कर देना है, क्योंकि अभी देखो आपको कुछ भी ऐसे कम ज़्यादा लाइट नहीं दिख रही कैमरे के अंदर, लेकिन जब भी हम फ़ोन में इधर करेंगे ज़्यादा लाइट आ जाएगी, इधर करेंगे कम लाइट आ जाएगी। तो उस चीज़ को आपने फिक्स करके एक पॉइंट पर लॉक करके रख देना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैमरे की सेटिंग्स पहले जाके समझ लो आप किसी वीडियो में, जो कि मैंने भी ओपन कैमरा के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, रिशु भाई ओपन कैमरा सर्च कर लो कुछ, वो वीडियो आ जाएगा आपके सामने, तो उसको आप एक बार जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में आप सारा कुछ ऐसा मतलब एक जगह सेट कर लें अपने फ़ोन को, जहाँ से भी आपको बढ़िया कैमरा क्वालिटी मिल रही है। उसके बाद में आप अपनी वीडियो क्वालिटी को और सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा माइक परचेज करें, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे भाई, आवाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, कॉन्फिडेंस से भरी हुई हर आवाज़ अच्छी होती है। मैं ये मानता हूँ किसी की आवाज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी की आवाज़ कितनी ही अच्छी हो, अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को नहीं रख पा रहा, तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी हमें सुनने में, यहाँ तक कि आपको खुद को भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी आवाज़ किसी भी तरीके की है, लेकिन अपनी बात को आप बड़ी कॉन्फिडेंटली पूरे भरोसे के साथ में बिना किसी झिझक के साथ व्यूवर्स के साथ रख पा रहे हैं, तो आपकी आवाज़ में, जाहिर सी बात कह रहा हूँ, आपको अच्छी लगेगी। मुझे पता है मेरी आवाज़ अच्छी बुरी कुछ नहीं है, लेकिन आपको मेरी आवाज़ पसंद है ना, बिकॉज मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको मैं कह रहा हूँ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कैमरे के सामने बोलने में। तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस पसंद आता है आवाज़ का, आवाज़ लगभग सभी की अच्छी रहती है, लगभग सभी की नहीं सभी की अच्छी रहती है। तो ये दो चीज़ें आप इंप्रूव करें, पहला कैमरा एंगल सेट कर लें, दूसरा अपनी आवाज़ को इंप्रूव कर लें आप, मतलब कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर लें कैमरे के सामने बोलने को। और माइक कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, ईयरफोन यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके कैमरा क्वालिटी, आपकी वीडियो क्वालिटी है सारी, ऑडियो वीडियो क्वालिटी का इन द सेंस होता है एक दिखने वाली क्वालिटी, एक अंदर वाली क्वालिटी, कि क्या बता रहे हैं आप चीज़ों में, किस तरीके से बता रहे हैं, तो दोनों चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आपको मज़ा आएगा कसम से। तो आप ये दोनों चीज़ें ट्राई करके देखिएगा मेरी तरह। एक भाई का कमेंट आया था कि यार आपकी तरह भाई कैसे HD वीडियो शूट करें अपने फ़ोन से, तो वही है कि यार मैं ऐसे तो कैसे बताऊँ आपको, बताओ कैसे करोगे फ़ोन से शूट, फ़ोन से अभी इतना सारा ब्लर वलर कैसे करोगे। अभी मैंने तो ब्लर कम किया हुआ है, नहीं तो पीछे का बिल्कुल गायब हो जाता इस तरीके से, तो फिर ये चीज़ फ़ोन में ऑप्शन ही नहीं रहता, कैसे करोगे बताओ आप, तो ये चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मतलब पीछे ब्लर वलर करने का मेन पर्पज आपका यही है ना कि आपकी भी वीडियो क्वालिटी बिना कैमरे के साथ में सुधरे, तो वीडियो क्वालिटी कैसे सुधर सकती है, वही टिप्स मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होगी, अगर चीज़ें पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आई कुछ भी दिक्कत लगी कि यार क्या बकवास भाई मतलब कुछ भी बोलता रहता है वीडियो में, तो डिसलाइक कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिख सकते हो कि किस चीज़ में सुधार किया जा सकता है। और हाँ, लिख के जाना अगर डिसलाइक कर रहे हो ना।
दो कि क्या सुधार करना चाहिए मुझे। और बाकी जल्द मिलेंगे आपसे किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।